जमशेदपुर और सरायकेला जिला में नशीले पदार्थों को रोकने के उद्देश्य से कोल्हान के डीआईजी राजीव रंजन सिंह के द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन पिछले 10 दिनों पहले किया गया था। 10 दिन के उपरांत उनके किए गए कार्यों की आज समीक्षा बैठक जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में की गई। इस दौरान इस कार्य में लगे जवानों को प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 10 दिन पहले नशा को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठन किया गया था। दोनों जिला जमशेदपुर और सरायकेला जिला में जो टास्क फोर्स के लोग हैं अच्छा काम किया और कई जगह जो अभियान के तहत नशीली पदार्थ की पकड़ाएं भी और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसी को देखते हुए आज समीक्षा बैठक जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय में किया गया और लोगों जो अधिकारी और पुलिस जवान इस टास्क फोर्स में थे उन्हें आज सम्मानित किया गया और प्रशंसा पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा यह कार्य आगे भी चलता रहेगा। जो टास्क फोर्स गठित किया गया था जमशेदपुर जिले में और सरायकेला जिले में, दोनों का टास्क फोर्स था अलग अलग। इस टास्क फोर्स का मुख्य कार्य किया गया था कि जो भी दोनों जिलों में ड्रग्स माफिया है, जहां भी अफीम गांजे का सेवन कर रहे हैं लोग, उन सब जगहों पर छापेमारी किया जाए और पकड़ा जाए। तो उसी की समीक्षा की आज बैठक की गई और बैठक में पाया गया कि विगत 15 दिनों में काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं जमशेदपुर में। इसके पहले भी काफ़ी अच्छे कार्य पूरे, अगर 2-3 महीने का हम लोग रिकॉर्ड देखें तो काफ़ी ड्रग्स पे काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है। अगर ये हम लोग देखें कि विगत 10 दिनों के अंतर्गत तो टोटल 15 गिरफ्तारियां जमशेदपुर में हुई है और 2.6 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया है, 25 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया, इसके अलावे 1 कट्टा भी पकड़ा गया, कुछ गोली बरामद हुए, 31,000 नगद लगभग रुपए पकड़े गए, 1 बाइक बरामद हुआ है। और काफ़ी हद तक जो जो ब्राउन शुगर या जो भी नशा के सेवन के जो प्लेसेस थे, स्थान थे, उन सभी जगहों पर ये टास्क फोर्स की टीम लगातार छापामारी कर रही है और इसके चलते काफ़ी हद तक चेक हुआ है और ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। टास्क फोर्स के जो भी ऑफिसर अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया और आगे भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि इससे और बेहतर काम करेंगे और इसको ड्रग्स मुक्त हम लोग कोल्हान को करें, इस दिशा में ये टीम आगे अग्रसर करें। इसी तरह अगर जब आप